भारतीय कंपनी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में बनाई जा रही गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे बस स्टैंड तक की रोड का शुक्रवार सुबह महापौर पुष्प मित्र भार्गव और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी सड़क के कुछ हिस्सों में धार्मिक स्थल न हटने कारण सड़क अधूरी है। शुक्रवार को निगम के अफसरों व जन प्रतिनिधियों ने धार्मिक स्थलों के संचालकों से चर्चा कर उन्हें अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के लिए चर्चा की। वे इस कवायद में जुटे हैं ताकि रोड का बचा हुआ काम जल्द पूर्ण हो सके। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा वर्ष 2018 में इस रोड के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया था। 32 करोड़ की लागत से 1.7 किलोमीटर की सड़क तैयार की गई है। वर्तमान में इस रोड पर करीब 11 धर्म स्थलों को हटाया जाना बाकी है। इसके ना हटने के कारण अभी सड़क के इन हिस्सों में सीवरेज लाइन डालने का बाकी है। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 4 लेन की इस सड़क में अंडरग्राउंड केबल डाली गई है, इस वजह से इस रोड पर विद्युत पोल पर तारों का जाल नहीं दिखाई दे रहा है। महापौर पुष्प मित्र भार्गव ने कहा कि 7 दिन में मच्छी बाजार रोड पर वाहन चालकों की आवाजाही के लिए शुरू करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा शहर के पश्चिम और मध्य हिस्से में एमजी रोड के साथ गंगवाल से सरवटे बस स्टैंड सहित आधा दर्जन से ज्यादा सड़कों का विकास किया गया है। पहले जहां पर यहां संकरी सड़कें दिखाई करती थीं, वहीं अब काफी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के व्यापार को भी गति मिली है। भागा ब्रिज पे अगर आपने देखा होगा तो रिटेनिंग वॉल कंप्लीट है, चंद्रभागा ब्रिज तक की रोड भी लगभग बन गई है, उससे भी सीधा कहीं ट्रैफिक में बहुत सारी राहत मिलेगी। उसके आगे का पार्ट कैसे बन सकता है उस पर भी विचार किया। कब तक आप लोगों ने दिया है डेडलाइन कि स्टार्ट हो जाएगा और कब तक नहीं? वो चंद्रभागा तक का दिवाली तक तो इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन गंगवाल से सरवटा तक का जितना कैरिज रोड बन गया है स्पेशली मच्छी बाजार तक का, उसको तो हमने कहा है कि अभी 7 दिन में शामिल करें। सर आप ट्रैफिक को लेकर हमेशा यही निर्देश दिए हैं कि जो कैरिज रोड बना हुआ है और वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ये पूरा जो ट्रैफिक का पार्ट है वो हटा के मच्छी बाजार तक का जहाँ तक का रोड बना हुआ है वो कैरिज रोड 7 दिन में शुरू किया जाए, फिर से सड़कों पर अतिक्रमण ना हो, इसकी वो विशेष रूप से चिंता करें। सर